हेलो गाइस, गुड इवनिंग। यूनिट 9 के पार्ट डी में कुछ एजेंसी दी हुई हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रही हैं। किसके लिए? क्वालिटी के इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो एजुकेशन में कैसे क्वालिटी को बनाए रखा जाए, तो उनके बारे में बात करते हैं इस लेक्चर में। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कैसे मानेंगे कि कोई जो स्कूल खोला गया है या कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, वो स्टैंडर्ड उसका क्या है ना, वो कितनी ठीक एजुकेशन दे रहा है। तो इसके लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कई सारी एजेंसी काम करती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी। वो एजेंसी जो एश्योर करती हैं, जो आपको आश्वासन देती हैं कि आप जहाँ से शिक्षा ले रहे हैं वो कैसी है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये क्या निर्धारित करती हैं, मानक निर्धारित करती हैं। तो इसमें आपके जो इसमें है कि क्या होती हैं क्वालिटी एजेंसीज, क्या होती हैं, इसके एम्स क्या हैं, इसके फंक्शन क्या हैं, इसके रोल क्या है, इनको हम देखेंगे अभी। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी हैं इंडिया के लिए। इंडिया में दो एजेंसी काम करती हैं इसके लिए, हम शिक्षण संस्थानों की बात कर रहे हैं, ठीक है। नैक, NAACC, नैक और QCI, ये दो एजेंसीज काम करती हैं। और इंटरनेशनल पे INQAAHE काम करती है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आके। सबसे पहले देखते हैं कि इन एजेंसीज का ये एजेंसी है क्या, ठीक है, क्यों है ये, अस्तित्व में ही क्यों है। सपोज अगर सभी लोग अपने मन से शिक्षा देने लगेंगे तो पता चलेगा कि JNU में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, DU में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, BHU में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, AMU में कुछ और पढ़ाया जा रहा है। तो एक सभी एक रूपता बनी रहे, है ना, ये पहले सभी जगह शिक्षा दी जाती रहे, समान रूप से सबको शिक्षा मिले और एक क्वालिटी मेंटेन रहे बेसिकली, कि जो भी एजुकेशन है वो किस तरह की एजुकेशन वहाँ प्रोवाइड की जा रही है। तो वहाँ की जो एजुकेशन है, सभी जगह की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी बनी रहे, एक क्वालिटी सभी की एक जैसी बनी रहे। दूसरा है कि जो शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो यूनिवर्सिटीज, जो स्कूल्स, उसमें क्या है, वो व्यवहारिक हो, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ थ्योरेटिकल दिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एजुकेशन भी मिल सके, ठीक है। एक पर्टिकुलर रूल्स और रेगुलेशन को वहाँ फॉलो किया जाता है और कुछ मानक स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं, वो स्टैंडर्ड को वो पूरा कर सके। और इंटरनेशनल लेवल पे खुद को ये एजेंसी, ये जो यूनिवर्सिटीज, जो कॉलेज है, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह अपने आप को कनेक्ट कर सके, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे वहाँ किस तरह का मूल्यांकन होता है, वो मूल्यांकन कितना सही है कितना ठीक नहीं है, इसके लिए भी ये काम करती हैं, ठीक है। इस तरह की जो एजेंसी है ये बेसिकली ज्ञान जो है, जो नॉलेज है, उसके लिए ग्रीन हाउस का काम करती हैं, यानी कि आपको एक सेफ प्लेस, आप कहीं भी पढ़िए, आप कम से कम एश्योर हैं कि हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उसे नैक ने सर्टिफाइड किया है, उसे QCI ने सर्टिफाइड किया है, उसे INQUQ ने सर्टिफाइड किया है। तो ये जो सारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो एजेंसीज हैं वो इसको क्या किए हुए, सर्टिफाइड किए हुए, तो ये मेरा पढ़ने वाली जगह ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इसके फंक्शन, इसके रोल, तो ये इनका समाज में यही रोल है कि ये जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करती हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं भारतीय स्तर पे भारत की गुणवत्ता, जो भारत की एजेंसी है उसमें सबसे पहली बात करते हैं नैक, नेशनल लेवल पे ये एजेंसी काम करती है, ठीक है। अब इस एजेंसी का काम क्या है कि इसको, इसका फुल फॉर्म है नेशनल असिस्मेंट एक्रेडेशन काउंसिल, नेशनल असिस्मेंट एक्रेडेशन काउंसिल, यानी कि वो काउंसिल, वो परिषद जो किसका काम कर रही है, जो मूल्यांकन, असिस्मेंट और एक्रेडेशन, यानी कि प्रत्यायन का और राष्ट्रीय स्तर पर असिस्मेंट करती है, आकलन करती है और उसका एक्रेडेशन यानी कि उसको मानक प्रदान करती है, और इस तरह की एक परिषद नेशनल लेवल पे काम करती है जिसको हम बोलते हैं नैक बोलते हैं, ठीक है। दूसरी है इसकी, अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नैक की जो स्थापना है वो 1994 में की गई थी, 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसको शॉर्ट में NAACC बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम देख लेती हूँ मैं,
प्रत्यायनी ही बोलते हैं इसको। ये 1994 से काम कर रही है ये संस्था। ये भारतीय शिक्षा संस्थान है, उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का काम करती है। तो नेक जो है, नेक 1994 में अस्तित्व में आया था। नेक 1 अप्रैल 2007 से इसने एक इंडेक्स जारी किया है। उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हर जो भी एजेंसी, जो भी स्कूल यूनिवर्सिटी है, उसको ये क्या देगी, ग्रेड देगी। ग्रेड क्या देगी, ए बी सी डी, चार ग्रेड देती है। तो ये जो ग्रेड होते हैं वो ये बताते हैं कि जो ये इंस्टीट्यूट है वो कितना सही है, इसकी गुणवत्ता कितनी बढ़िया है। तो ये दो लेवल पे करता है, एक्लरेशन करता है पहले, पहले ये असेसमेंट करता है, फिर उसको ग्रेड देता है। तो ये दो चरणों में, दो स्टेप में काम करती है। इसके अतिरिक्त भी यूजीसी ने और भी एजेंसीज हैं जिनको नियुक्त किया हुआ है क्वालिटी को देखने के लिए, लेकिन मेनली नेक काम करता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप गूगल पे थोड़ा और पढ़ लेना कि इसके बेसिकली क्या, इसने माना क्या, नॉर्म्स हैं इसके। जैसे इसका नॉर्म क्या है कि जो करिकुलम है किसी कॉलेज का, वो करिकुलम एक्चुअली फॉलो हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, रिसर्च कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, इनोवेशन इनोवेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो इनोवेटिव नवाचार की प्रक्रिया है, वो लागू हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस कैसा है, ठीक है, वहाँ का लीडरशिप कैसा है, ठीक है, वहाँ पे जो गाइडेंस काउंसलर है वो कैसा है, बच्चों को कितना एजुकेशन स्कॉलरशिप मिला। तो ये सारी चीज़ों पे नेक क्या करता है, किसी भी संस्थान को उसकी क्वालिटी के आधार पे मानक प्रदान करता है, ग्रेड देता है। ए से लेके डी तक ग्रेड दिए जाते हैं। अगर नेक का ग्रेड मिल जाता है तो ये माना जाता है कि हाँ, ये जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है ये पढ़ने में ठीक ठाक है। अगला है हमारा QCI, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। QCI जो है आपका, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय गुणवत्ता परिषद जिसको बोलते हैं, ये गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। ये काउंसिल किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, ये एजुकेशन की करती है, साथ साथ ये पर्यावरण एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है, और कई क्षेत्रों में काम करती है, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, हेल्थ, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल डोमेन, सामाजिक क्षेत्र, ये कई क्षेत्रों में काम करती है। इन सभी की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है। इसका एक ही मोटिव है कि भारत का हित, जो इंडिया है, उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, उस पर काम करती है। 1997 में ये अस्तित्व में आई थी। और ये किस पे आधारित है, ये PPP मॉडल पे आधारित है। इसका बेसिक क्या है, PPP मॉडल है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इसके बारे में काफ़ी कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है, जब तक ये नहीं है तब तक हम क्वालिटी को नहीं मान सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसका, ये जो है जो स्वच्छ भारत अभियान है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, भारतीय स्वच्छता सर्वेक्षण है, ठीक है, और जो योगा योगा की जो स्कीम्स चल रही हैं, सब इसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत चल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो परिषद है, ये परिषद का मुख्य काम है कि आपके जो भी हितधारक हैं, यानी कि जो भी स्टॉक होल्डर्स हैं, जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी एजेंसीज हैं, वो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों को देखती है। सिर्फ एजुकेशन को ही नहीं देखती, एजुकेशन साथ कई सारे डायमेंशन पे ये काम करती है। ठीक है, ये लगातार सरकारी लेवल पे या फिर जो भी आपका स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो उसको कौन देख रहा है, तो यही देख रही है, ये काउंसिल देखती है कि वो कितने ठीक से उसमें प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया काम करती है। अगला देखते हैं हम इंटरनेशनल एजेंसी। इंटरनेशनल लेवल पे एक संस्था काम कर रही है जिसका नाम शॉर्ट में है INQ, सॉरी INQAAHE, फुल फॉर्म है इसका, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी इन हायर एजुकेशन। ऐसा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान आश्वासन करने के लिए एक ऐसी एजेंसी जो इंटरनेशनल लेवल पे एक नेटवर्क के रूप में काम कर रही है। तो नेटवर्क आप ध्यान रखिए, नेटवर्क का मतलब क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो 140 कंट्रीज हैं, तो 140 कंट्रीज
में हायर एजुकेशन से स्पेशली रिलेटेड एक नेटवर्क के रूप में ये काम करती है, जिसमें कई सारे लोग इसके 364 मेंबर हैं। अब ज़्यादा हो गए होंगे, 2017 में इसके 364 मेंबर थे। तो ये जो मेंबर्स से ये इसके लिए काम करते हैं कि कैसे हम हायर एजुकेशन में वैश्विक रूप से यानी कि ग्लोबल लेवल पे कैसे एक शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं, यानी हायर एजुकेशन को कैसे एक ग्लोबल रूप से वैश्विक स्तर पे हम इसको प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम आपस में इंडिया का अमेरिका से, अमेरिका का यूके से आपस में नेटवर्क बना सकते हैं। सपोज यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी ने पढ़ाई की है और वो चाहता है कि यूएस में जाके किसी कॉलेज में पढ़ाई करे और वहाँ उसको एडमिशन नहीं मिलता है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हायर एजुकेशन का आपस में एक नेटवर्क बना रहे और ग्लोबल लेवल पे सभी को एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। स्पेन जो है कंट्री, उसका जो शहर है बार्सिलोना, बार्सिलोना में इसका मुख्यालय है, स्पेन के बार्सिलोना में इसका मुख्यालय है। 1991 में इसका स्थापना हुई थी। इसकी टोटल जो कंट्री के मेंबर है वो 140 टोटल कंट्री जिसमें इन्वॉल्व है, और कम से कम लगभग 400 मेंबर्स इसके काम करते हैं। अब इसका क्या काम है, क्या जरूरत क्या है इसकी? तो बेसिकली सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि हमें आपस में इंटरकनेक्टेड रहना है, तो सभी को हायर एजुकेशन मिल सके और वो हायर एजुकेशन कैसी हो, इंटरकनेक्टेड हो। कि सपोज आप ऑक्सफोर्ड में या कैम्ब्रिज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ आपको आसानी से एडमिशन मिल सके, ठीक है। ऊपर से इस तरह की पॉलिसीज बनाना कि जिससे पूरे वर्ल्ड में क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके, कि सभी को एक क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। और क्या काम हो सकता है कि यहाँ पे इस तरह की जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो पॉलिसीज किस तरह की बनाई जाती हैं उस पर ये नज़र रखता है एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि वैश्विक रूप से, ग्लोबल रूप से एक नेटवर्क है जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं INQAAHE। ध्यान रखना इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाएगा, QCI और NAAC। तो इसके लिए अगर आपको कोई और डेटा मिलता है ऑनलाइन तो उसको भी पढ़ लेना, और इतना तो पता होना ही चाहिए जितना मैंने आपको पढ़ाया है। तो इस तरह से आज आपका यूनिट डी खत्म, यूनिट 9 का पार्ट डी खत्म हुआ। सो अब हम देखेंगे हमारी लास्ट यूनिट को। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड विश यू ऑल द बेस्ट।